नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर मैथ का सेशन पढ़ेंगे, है ना। तो मैथ का जो सेशन था, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को जितनी भी थ्योरियाँ थी वो सभी थ्योरी दे दिए थे। आज उस पर हम लोग बेस क्वेश्चन पूछ बनाएंगे, है ना। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 13 सेंटीमीटर, क्या है 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह दोनों हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर होगी, कन्फर्म। तो यह अगर ए है, ए है तो यह बी होगा। अगर इसका हम नामकरण कर दें, क्या कर दें, नामकरण कर दें। तो इसमें बोल दिया है स्पेशल कि यहाँ जो है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ द हुज साइड 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 24। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक यह 24 सेंटीमीटर दिया है और यह क्या है 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी बराबर भुजाएं की लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपसे उसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया जब पूछ रहा है तो आप या तो फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला से ही बनेगा ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है बी बाई फोर रूट अंडर 4a² - b² यही ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब यह फॉर्मूला होता है तो हम फॉर्मूला पे रख के क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम लोग ट्रिक समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बी क्या है 24 है, क्या है 24 है। तो यहाँ पे हम 24/4 करेंगे, आई क्या है 4 × 13² - 24² तो यहाँ देखिए यह कितना हो जाएगा 6 आएगा। हम लोग मल्टीप्लाई फैक्टर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 आया। इसका मतलब है कि जो भी होगा यहाँ पे, जो भी होगा 6, वह 6 का मल्टीप्लाई में आंसर होगा, 6 का वह मल्टीप्लाई होगा। तो क्या इसमें 6 से यह भाग लगेगा, डिविडेंड भाग लग सकता है, डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन कैंसिल। क्या यह भाग लग सकता है, लग सकता है, हो सकता है कि आंसर हो जाए। यह 6 से लगेगा, नहीं लगेगा, यह लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम बिना बनाए हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ 60 सेंटीमीटर² हमारा आंसर होगा। क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आप एग्जाम में क्वेश्चन छूट के चले जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन आपको जब भी बनाना है तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर को आप गौर से देखिएगा, है ना, कि वह क्या कर रहा है। अगर यहाँ 6 है, इसका मतलब है कि इसमें 6 का मतलब क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें छिपा है, यानी वह आंसर जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो यही आंसर जो था 2 से कट रहा था और 3 से कट रहा था, यहाँ तो नहीं कट रहा था, यहाँ 2 से कट रहा था लेकिन 3 से नहीं कट रहा था, यहाँ 3 से कट रहा था लेकिन 2 से नहीं कट रहा था, यहाँ तो कट ही नहीं रहा था दोनों से। तो आंसर हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, यह बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया था और एक बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया है वह बेस दिया है। यह क्या है, बेस, यह 24 सेंटीमीटर बेस दिया है और इसका एरिया आपको दे दिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। एरिया कितना दे दिया है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह बेस है तो हम इसको, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2a + b होता है, क्या होता है, 2a + b होता है। तो यहाँ 2a अब प्लस b के स्थान पे हम 24 रखेंगे, है ना। तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे ट्रिक से, यानी तरीका से, नया तरीके से बनाएंगे। तो अगर हम इसको यहाँ एरिया लिखें, फिर यहाँ 192 लिखें, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24/2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो यह क्या हो गया, यह हमारा क्या होगा, 4 होगा यहाँ पे, तो 6 आएगा।
तो अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यह क्या होगा हमारा 24, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 6, और क्या है 6, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ घटेगा, यहाँ क्या है कुछ ना कुछ घटेगा तभी तो आएगा, यहाँ क्या है 2 से मल्टीप्लाई भी है, इसका मतलब 24 जो है 24 वह इसके कुछ ना कुछ तो इसमें इधर उधर हुआ होगा तभी तो यह पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि 2a प्लस बी, तो यह क्या है 24 है, 24 आ गया। अब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होगा, तो लेंदी से हम लोग दूर निकलेंगे, तो यह 6 है ना, यह हमारा 6 है, तो इसको काटिए, तो यह 2 आ जाएगा, 6 3 18 होता है, और 6 2 12 होता है, यानी 32 आ गया, क्या आ गया 32, तो 32 आ गया। इसका मतलब है यहाँ लिखते हैं 32 जो है इसका मतलब है कि रूट अंडर 4a² - 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि 22 आए, कहानी यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है कि यहाँ पे हम एक स्थान पे क्या रखें, ठीक है, कि घटाएं कि 2 आ जाए हमारा यूनिट डिजिट, क्या आ जाए 2 आ जाए। तो अपने मन से अगर यहाँ पे अगर हम रख लें, मान लीजिए कि अगर हम रख लेते हैं 4, तो यहाँ पे इतने 6 हो गया, और यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, तो यह संभव नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें। अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं 10 रखते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 400 हो जाएगा, क्या है 400 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, तो 10 और 10 में से या 0 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 का रूट करेंगे, ध्यान दीजिए 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ लोचा है, यहाँ है कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो 0 के लेवल का है, या वो 20 हो सकता है या 30 हो सकता है, क्या है 20 हो सकता है या 30 हो सकता है, तो हम 10 पे रखे तो 400 में हम 24 में घटाएंगे तो या तो बहुत माइनस में आ जाएगा, यह संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, तो इसका मतलब हम 20 रखते हैं, तो 20 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 400 में 400 1600 आ जाएगा, 1600, और 1600 में से अगर हम 24 यानी 576 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो हो सकता है कि यह क्या हो जाए हमारा 20 फैक्टर हो जाए, तो 20 पे हम ट्राई कर लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 2, यह क्या हो जाएगा हमारा 5 है, यहाँ तो घटा हुआ है तो यह हो जाएगा 0 1, इसका मतलब है कि 1024 जो है उसी का स्क्वायर 32 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब हम लोग टेस्ट कर लिए कि यहाँ क्या होगा हमारा 20 होगा एक स्थान पे, अर्थात भुजा जो है यह 20 होगा। देखिए हम क्वेश्चन मैट्रिक मॉडल नहीं बना रहे हैं, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव माइंड से सोचेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ 20 होगा। अब हम यहाँ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2a + b होता है, तो b तो ऑलरेडी 24 दे दिया है, 24 दे दिया है, और a का मान क्या निकला हमारा 20 निकला, तो 20 i 40 हो जाएगा, और प्लस 24 तो क्या हो जाएगा 64, तो हमारा आंसर क्या होगा b नंबर होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा तब आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तेजी से बना पाइएगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन क्या होगा छूट जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम हमारे ख्याल से 30 या 40 सेकंड काफी है, अगर आप यूनिट डिजिट से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, यह आपसे बोला है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, यह कह रहा है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल का है ना, जो प्रत्येक इक्वल साइड जो है क्या है, जो प्रत्येक इक्वल साइड जो है वह हाइट से क्या है 2 ज़्यादा है, क्या है हाइट से 2 ज़्यादा है, तो बताइए। और उसमें बोला है कि बेस जो है उसका 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 सेंटीमीटर है,
क्या है, बेस की बेस जो है उस ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताइए, कुछ नहीं है। यह क्या है, हाइट हो गया, क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट बोल रहा है, हाइट से यह 2 सेंटीमीटर ज्यादा है उसका इक्वल साइड, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यह भी एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं फंडा ही बताया था कि यह दोनों क्या होता है इक्वल। और इसमें क्या दिया है कि वह मेजर मेजर जो है तो आपका क्या है 20 जो है वह क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको मैं एज्यूम करके बता दूंगा आपको। यह 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि यह जो हाइट जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यह इक्वल इक्वल होगा, इसका मतलब यह भी 6 है, यह भी 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग पाइथागोरस जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो आप लोग को एक फंडा बताया था कि 3, 4 और 5 का फंडा, यह एक ट्रिपलेट होता है जिसको याद करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अगर यह 6 है इसका मतलब यह 8 हुआ, इसका मतलब यह 10 हुआ, यह क्या हुआ 6 है, इसका मतलब इसमें क्या है 200 गुना हुआ, तो इसमें भी 200 गुना होगा और इसमें भी 200 गुना होगा। तो इसका मतलब यह 6 है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि यह क्या होगा 8 होगा, ठीक है, यह क्या होगा 8 होगा। तो जब यह 6 और यह 8, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो यह एक क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फंडा होता है कि उसका जो कर्ण जो होता है अर्थात हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, या दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, तो या 6 हो गया 8 हो गया, तो ऑलरेडी क्या होगा इससे यह 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 से ज़्यादा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 8 + 2 अर्थात 10। इसका मतलब है कि यह ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर गया, यह ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर गया। जब यह ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। तो कोई भी त्रिभुज हो उसको हम ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आधार गुना हम क्या करते हैं बेस इनटू हाइट करते हैं, तो 1/12 अब गुना क्या होगा हाइट हमारा 8 हो गया, तो यह गुना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और 6 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 जब होता है 48, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया कितना इजी क्वेश्चन हो गया अगर इस चीज़ से आप बनाते हैं तो, अदरवाइज इससे फंडा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा मैट्रिक मॉडल, तो क्वेश्चन आपसे गंभीर बनती जाएंगी, लंबा होता जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल सच डेट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड कोण बी एंगल 35 एंड ए डी इज द मीडियन टू द बेस बी सी देन कोण बी ए डी इज व्हाट, यही क्वेश्चन है। तो इसको इसमें हम लोगों को फाइंड करना है डिग्री यानी कोण का मान फाइंड करना है। तो अपने मन से हम इसको क्या लेते हैं, अपने मन से एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग, तो ए बी जो है वह ए सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी ए सी के बराबर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कोण बी क्या है, कोण बी हमारा 35 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है ए डी इज द मीडियन, यह क्या है एक मीडियन है यानी बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो यहाँ 90 डिग्री ए डी हो गया हमारा, कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है कि बेस बी सी इज देन कोण बी ए डी इज, कोण बी ए डी यह चीज आपसे पूछा है, क्या पूछा है यह चीज आपसे पूछा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, अगर आप इस मीडियम को लेते हैं, ठीक है, इस मीडियम को लेते हैं तो यह 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम 90 डिग्री पे कट करता है, तो यह 90 हो गया या क्या 35 होगा कि नहीं, अगर आप इसके अनुसार चलते हैं तो। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यह आइसोसेलेस है, इसका मतलब है कि यह भी क्या होगा 35 होगा, क्या होगा 35 होगा, ठीक है। तो यह 35 यह 35 तो कितना हो जाएगा हमारा 180 में से हम 70 का क्या करेंगे घटाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 100 क्या हो जाएगा 10 होगा, 110 होगा। और यह जो भुजा है यह बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा बाइसेक्ट करता है यानी आधा आधा बराबर भागों में क्या करता है डिवाइड कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 55, इसका मतलब है यह भी 55 यह भी 55, बात समझ में आया कि नहीं, यह भी 55 यह भी 55। तो हमसे जो पूछा है आपको दिखाई दे दिया कोण बी ए डी, बी ए डी पूछा, इसका मतलब है कि 55 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, बात समझ में आई कि नहीं।
तो यह आइसोसेलेस का बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपके प्रश्नों के हिसाब से मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। और भी बहुत सारी क्वेश्चन हैं तो उसको राइट एंगल ट्रेंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। ठीक है, तत्काल इतना ही आपको रहने देते हैं, धन्यवाद।